और ऑलराइट गाइस, पीएचपी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, सपोज दैट आपको सिंपली एक बड़ा सा एरिया बना के दे दिया गया, एसोसिएटिव एरिया आपको बना के दे दिया गया, और उसमें आप लोग को पता करना है कि लास्ट की कौन सी है, पहली वाली की कौन सी है, और इसी के साथ साथ आपको ये पता करना है कि जो आपकी सर्च कर रहे हैं वो इसके अंदर इस जो एरिया है उसके अंदर जो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो ये चीज़ आपको सर्च करनी है, तो आप लोग कैसे करोगे, तो इसके लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं करूँगा क्या, पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा, इसके अंदर tut36.php और मैं एंटर मारूँगा और फाइल बन के यहाँ पे रेडी है। मैं सिंपली पीएचपी का ओपनिंग एंड पीएचपी का क्लोजिंग टैग डाल दूंगा, जो हमेशा की तरह हमको काम करेंगे पीएचपी के अंदर, तो ये चीज़ डालनी पड़ती है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सिंपली एक कलर से नाम से एरिया बनाऊँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा सिंपली ए लिख दूंगा और ए की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड इस तरीके से, लेकिन मुझे कोर्स के अंदर लिखना पड़ेगा रेड, एंड बी लिख देता हूँ मैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे भी एरो पास करना पड़ेगा सॉरी, क्योंकि हम लोग एक एसोसिएटिव एरे बना रहे हैं। और मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ ब्लू इस तरीके से, और मैं लिख दूँगा सिंपली सी, एंड इस तरीके से मैं क्या करूँगा ग्रीन पास करूँगा इस तरीके से, एंड इसी के साथ साथ मैं डी पास करूँगा, डी के अंदर मैं सिंपली येलो पास करूँगा इस तरीके से, ठीक है, जो कि परफेक्ट है। मैं व्यू पे क्लिक करूँगा डायरेक्टली और टॉगल वर्ड रैप पे क्लिक कर लूँगा, मुझे खिसकाना नहीं पड़ेगा, इधर उधर चीज़ें ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगी। और ये सिंपली एक छोटा सा एरिया मैंने बनाया है एसोसिएटिव एरिया, आप लोग को एक बड़ा एरिया मिल सकता है। अब यार मान लो कि मेरे सामने लास्ट की मुझे निकालनी कि इस एरिया का काफ़ी बड़ा एरिया है और उसकी मुझे लास्ट की निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपली सबसे पहले एको करूँगा चीज़ें खूबसूरत दिखाने के लिए, यहाँ पे प्री टैग लगा देता हूँ, और मैं ना लगाऊँ तो भी चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इतनी, ठीक है। तो बेसिकली आप करोगे क्या, आप लोग प्रिंट आर लिखोगे सिंपली यहाँ पे, और आप लोग लिखोगे ये एरे की, अगर आपको सिंपली फर्स्ट के निकालने तो एरे की फर्स्ट लिखोगे, उसके अंदर आपको सिंपली ओनली एरे का नाम पास कर देना है कलर्स, ठीक है। ऑलराइट गाइस, और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ सिंपली, यहाँ पे एक नई टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग सिंपली टाइप करेंगे लोकल होस्ट, लेकिन आप लोग मेक श्योर करें का जो ये जो अपाचे मॉड्यूल है वो सिंपली स्टार्ट होना चाहिए, मेरा स्टार्ट है, मैं इसको कट आउट कर देता हूँ। पीएचपी ट्यूटोरियल्स के अंदर चलते हैं और इसके अंदर मैं करूँगा क्या, tut36.php पे चलता हूँ। देखो सबसे पहले कि मेरे पास क्या आ रही है, ए है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये ए है पहली, इसके अंदर की अगर मैं यहाँ पे जाके वाई करता हूँ तो ये मुझे वाई दिखाएगा, ये देख सकते हो, मतलब पहली की है इस एरे के अंदर वो वाई है, फिलहाल मैं ए कर देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लास्ट की निकालनी हो तो मैं ए को करूँगा यहाँ पे आके, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा बी आर, क्या लिख दूँगा मैं यहाँ पे सिंपली बी आर ब्रैक कर दूँगा, ठीक है, चीज़ें नीचे दिखाई देगी, और मैं ए को कर दूँगा नोट, ए को मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँगा प्रिंट आर, और इसके अंदर मैं एरे की, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपली लास्ट, और इसके अंदर मैं जाके अगेन एरे का नाम पास कर दूँगा, बस आपका सिंपली लास्ट की भी निकल जाएगा। इससे रिफ्रेश करता हूँ मैं और मुझे इसके नीचे दिखेगा डी, ये जो आपका लास्ट की है इस एरे के अंदर वो है डी है, ठीक है, और इस डी की वैल्यू येलो है। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं। अब यार मान लो एक बड़ा एरे है और उसमें मुझे कोई की सर्च करनी है कि ये की इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो तब क्या करें, चलो जी आपको बताते हैं तब क्या करना। मैं अगेन सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पर इसको नीचे लेके आऊँगा इस तरीके से, ठीक है, और मैं इस तरीके से करूँगा, एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं इस तरीके से लिखता हूँ एरे की एग्जिस्ट, ये सिंपली हमारे पास एक फंक्शन होता है, अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो ये मुझे बता देगा कि वो की एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर बेसिकली आपके दो पैरामीटर जाते हैं, एक तो सबसे पहले आपकी कौन सी की है, सपोज दैट मुझे सी प्रिंट करनी है कि सी है या नहीं है इसके अंदर, आपका बड़ा एरे हो सकता है, और किसके अंदर, बेसिकली कलर्स के अंदर, ठीक है, ये जो कलर्स वाला एरे है इसके अंदर को सी नामक की है या नहीं है, वो एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती है, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करती है, अगर ये जो रिजल्ट है ये होता है, मतलब की एग्जिस्ट करती है, रिटर्न ट्रू होता है, तो हम लोग एको करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे द की इज एग्जिस्ट सिंपली, ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट आउट कर देता हूँ। अगर वो की नहीं एग्जिस्ट करती है तो मैं यहाँ पे एको कर दूँगा, क्या एको कर दूँगा मैं द की सिंपली, ठीक है, इज नॉट
नॉट फाउंड, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे अगेन सेमी कॉलन पुट कर दूंगा। बट यार मुझे यहाँ पे कुछ एरर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैंने क्या नहीं किया यहाँ पे, एको मैंने करवा दिया, और जो कि परफेक्ट काम किया यार, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे एरर देखने को मिल सकती है। और इसमें डेफिनेटली एरर है, मुझे यहाँ पे एल्स लिखना था, अब कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और द की इज़ एग्जिस्ट, मुझे क्या मिल रहा है, द की इज़ एग्जिस्ट, कौन सी, ये जो सी है ये इसमें है, कहाँ पे है, ये आपकी सी रही। अगर मैं सिंपली सपोज दैट इसमें कर देता हूँ यार ए, क्या ए इसमें है, ए इसमें नहीं है, देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ए नहीं है, तो ये मुझे बोलेगा द की इज़ नॉट फाउंड, और मुझे यहाँ पे ए की नहीं लिखना था, मुझे द की इज़ नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, आपके एरे के साथ आप डील कर सकते हो इजीली। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड आपको प्रैक्टिस करने के डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करना। सो बाय।